यहाँ कैमरा लगा देते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये है साहिल और ये है साहिल की फैमिली जो उनसे बहुत प्यार करती है, पर क्या साहिल जानते हैं कितना? हेलो साहिल जी, वेलकम टू आवर चैलेंज। थैंक यू। काफी सिंपल है, आप अपने घर से 5 मिनट की दूरी पे जी, और अगले 8 घंटों तक आप अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये कर पाए तो आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। मेरी फैमिली टेंशन नहीं लेती। तो क्या आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। कई बार मैं उनके फोन कॉल नहीं उठा पाता हूँ और फिर बात घर पहुँचने पे होती है, तो इस बार क्या प्रॉब्लम है? पर 8 घंटे, क्या आप श्योर हैं? बिल्कुल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए देने वाले हैं। वैसे अच्छी बात है, खर्चे वैसे भी बढ़ गए हैं, ये 1 करोड़ रुपए तो मेरे हैं। बस एक चीज और, जो कैमरा आपने घर पे लगाए थे उनकी लाइव फीड हम इस स्क्रीन पे देखेंगे। आपकी फैमिली की हर रिएक्शन, वो कैसे आपका इंतजार करती है, उनकी चिंता हमें नजर आएगी। देखते हैं। स्नेहा, साहिल आया नहीं अभी तक? नहीं मम्मी जी, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे। मेरी बीवी हमेशा बोलती है, टेंशन लेने की नहीं देने की चीज है। मम्मा, पापा ने प्रॉमिस किया था कि वो मैथ्स होमवर्क में हेल्प करेंगे। अच्छा, आपने पापा को बताया था? हाँ बताया था। तो आप बाकी का होमवर्क खत्म कर लो और पापा जब आएंगे ना तो आपको आपके मैथ्स के होमवर्क में हेल्प कर देंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह करवा दूंगा। स्नेहा, साहिल आया? नहीं मम्मी जी, मैंने 2-3 बार फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। आपको कुछ काम था? हाँ, उससे दवाइयाँ मंगाई थी। दवाई तो मेरे पास है, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। कल सुबह दे दूंगा। साहिल फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं आपकी दवाई ऑर्डर करने की कोशिश करती हूँ। हेलो, हाँ जी, मेडिसिन ऑर्डर करने थे। मम्मी जी, इतना लेट हो गया, आप प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, साहिल आ जाएगा फिर खाते हैं। मैडम, आपकी दवाई है। कितने पैसे हुए? 5,000। 5,000 की दवाई है? मैडम, दवाइयाँ महंगी हो गई भैया, लेकिन इतना कैश नहीं है मेरे पास। मैडम, अभी तो कैश ही चलेगा, दुकान बंद कर आया हूँ मैं। मेरे हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे। मैं कैश रखना भी भूल गया। आप एटीएम से निकाल लो। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ जी। एक मिनट, अभी इतनी रात को बाहर जा रही है, ये सेफ नहीं है। और तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? मिसेस वर्मा, वो साहिल अब तक वापस नहीं आया। पर साहिल तो 6:30 बजे तक आ जाता है ना। मिसेस वर्मा, ये डरा क्यों रही है स्नेहा को? मिस्टर साहिल मेरा ऑफिस में है, 6 बजे वहाँ से निकल गए थे। मैंने सबको फोन किया, उनके सब फ्रेंड्स को कॉल लगाया, किसी को कुछ नहीं पता है। अब स्नेहा टेंशन लेगी। स्नेहा तुम टेंशन मत लो, मैं वर्मा जी को बुला के लाती हूँ। ओह नो, ये वर्मा जी को क्यों बुला रही है, इनका तो काम ही है टेंशन बढ़ाना। स्नेहा, तुम्हारी साहिल से लास्ट कब बात हुई थी? पूरा दिन, मेरी आज कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, मैं साहिल के ऑफिस तक देख कर आता हूँ। हमेशा बोल कर जाता है। क्या हुआ बेटा? दादी को कुछ नहीं हुआ, आप जाके सो जाओ। ओके? मैं साहिल के ऑफिस तक देखकर आ रहा हूँ, उधर भी किसी को नहीं पता साहिल कहाँ है। पापा कहाँ है? पापा पापा बस आने वाले हैं, आप चलो, आपका स्कूल है ना सुबह, आ जाओ। मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मैं
एक बार और फोन ट्राई करूं साहिल को बस। कॉल कर रही है, बाहर है। मेरा चार्जर कहाँ रखा है मैंने? आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं, वो पहुँच से बाहर है। चले पुलिस स्टेशन। मैं अपना पर्स लेकर आ गई। अभी मैं अब ये देख नहीं सकता, ये ठीक नहीं है। 45 मिनट और है बस। उसकी हालत तो देखो, 1 करोड़ रुपए। अब मुझसे और नहीं होगा। 45 साहिल कहाँ थे तुम? कितने फोन किए? सॉरी मत रो माँ। चंद घंटों में आपके ना होने पर जान निकल जाती है, और अगर आप कभी ना पाए, आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है, तब भी जब आप उनके साथ ना हों।